मांझी के बेटे के इस्तीफे के बाद बिहार की राजनीति में हलचल। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दी प्रतिक्रिया। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह भी क्या बोले? आप बात बात समझ लगातार जो है मांझी जी को आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आगे बढ़ाने का काम, यहाँ तक बिहार का मुख्यमंत्री भी बना, और पहले हम लोगों के साथ भी हम लोग के गठबंधन में थे पूर्व, तो हम लोग अपने कोटे से एमएलसी भी बनाए थे संतोष मांझी जी को, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया और संतोष जी को मंत्री बनाया। तो कभी भी जो है कोई ये नहीं कह सकता कि सम्मान जो है इन्होंने नहीं दिया, हमेशा बढ़ चढ़ करके जितना हो सकता था उनको जो है हमेशा सम्मान देने का काम किया। जब पुनः हम लोग महागठबंधन में आए तो हम लोग सब लोग साथ लेकर के अब लेके आए, उसमें भी संतोष जी जो हैं मंत्री बने रहे, लेकिन जब बात हुई है जो ललन बाबू जी कह ही रहे हैं, विजय चौधरी जी ने साफ तौर पे चिट्ठी दिखा ही दिया, उसमें साफ तौर पे लिखा है कि निजी कारणों के वजह से जो है अब साथ नहीं चल सकते। साथ नहीं चलने का मतलब तो यही हम लोग समझते हैं, पॉलिटिकल लोग यही लोग सब लोग जानते हैं कि इसका मायने क्या है। अब वहाँ क्या है, उनका क्या सोच है, इस पे तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो चिट्ठी में जो लिखा है तो इसमें तो बातें एकदम स्पष्ट है कि महागठबंधन का वो अंग नहीं है, रहना चाहते नहीं है। अरे भाई हम कहाँ से बताएंगे, हम भी डिप्टी सीएम बने तो नोटिफाई तो मुख्यमंत्री जी ना करेंगे, चर्चाएं हैं कि तो ये सारी चीजें जो बन सकते हैं, अब इस पे हम लोग कुछ नहीं कह सकते, ये मुख्यमंत्री जी का निर्णय। और उनका त्याग पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया, और इसके साथ साथ उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है कि निजी कारणों से अब हम आगे साथ चलने में असमर्थ हैं। तो अब हम लोग ये मानते हैं कि उन्होंने महागठबंधन छोड़ दिया, छोड़ दिया तो उनके जगह पर मंत्रिमंडल विस्तार होगा ना किसी को जगह, ये तो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, कब विस्तार करेंगे, किसको बनाएंगे नहीं बनाएंगे, इसमें हमारा कोई आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने दबाव दिया था पार्टी में कि विलय कीजिए, नहीं तो इस संघर्ष में क्या करते हो? विलय के संघर्ष करने की क्या बात है, विलय करने की बात है अगर आप पार्टी अलग चला रहे हैं, और हम लोगों ने अगर ये कहा कि आप पार्टी का अपने को विलय कर लीजिए, अलग अलग दुकान छोटा छोटा दुकान चलाने से क्या फायदा है, तो इसलिए इसमें बुराई क्या है? अब उन्होंने नहीं किया और उन्होंने कहा कि अब हम आपके साथ आगे चलने में असमर्थ, इसके साथ और आगे किससे किससे क्या क्या उनकी बातचीत हो रही थी ये वो बता सकते। तो महागठबंधन इच्छा होगी नहीं, आप महागठबंधन थी इच्छा छोड़ने की उनकी थी, ये हम आपको इस्तीफा तो उन्होंने त्याग पत्र दिया हमारे हमारे